हेलो एवरीवन, कुक विद ममता में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए काफ़ी हेल्दी एंड टेस्टी सहजन की सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे मुनगा भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो को पूरा फुल वॉच करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सहजन की सब्जी बनाने के लिए हमने देखिए सहजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और काट कर इसका हमने छिलका निकाल लिया है और छिलका निकाल कर अच्छे से इसे हमने धोकर वॉश कर लिया है। अब मसाला देख लेते हैं। मसाला में हमने देखिए एक टमाटर लिया है, एक लहसुन की गांठ को हमने छील लिया है, हमने चार लाल मिर्च लिया है, एक चम्मच हमने जीरा लिया है, एक चम्मच हमने पोस्तो लिया है और एक चम्मच हमने पीली वाली राई लिया है। अब सभी मसालों को पहले हम पीस लेंगे। बारीक हमें पेस्ट बना लेना है। और देखिए हमने मसाला का पेस्ट तैयार कर लिया है और हमने टमाटर को अलग से पेस्ट बना लिया है और गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है। हमारा कढ़ाई भी गर्म हो चुका है। 2 चम्मच हमने सरसों का तेल डाला है, 1 छोटा चम्मच हम हल्दी का पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच हम नमक ऐड करेंगे। और हमने जो सहजन काट कर रखा था ना, सहजन को हम डाल देंगे। एक बार में हम पूरा नहीं डालेंगे, अभी हमने आधा डाला है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें अच्छे से सुनहरा लाल कर लेना है सहजन को। देखिए अच्छे से हमने मिला लिया है और देखिए हमारा सहजन लाल हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी के बचे सहजन को भी अब हम डाल देंगे। अच्छे से मिला लेंगे। देखिए हमारा सहजन लाल हो चुका है, अब इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे और उसी तेल में हम राई का फोरन देंगे। जैसे ही राई हमारा चटक जाएगा हम मसाला ऐड कर देंगे। और देखिए हमने मसाला को ऐड कर दिया है। अच्छे से मसाला को हम मिला लेंगे और मीडियम फ्लेम पर हमें मसाला को अच्छे से भून लेना है जब तक ये मसाला हमारा किनारे किनारे से तेल ना छोड़ने लगे। और देखिए हमने 1 चम्मच हल्दी का पाउडर ऐड किया है और हमने जो टमाटर का पेस्ट बनाया था ना, टमाटर को भी हमने ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमने 2 हरी मिर्च को लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है, हरी मिर्च को भी हमने ऐड कर दिया है। और मीडियम फ्लेम पर हमें मसाला को अच्छे से भून लेना है जब तक ये हमारा मसाला तेल ना छोड़ने लगे। और देखिए हमने स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया है। नमक हमने पहले भी डाला था, इससे अंजाब से नमक डालेंगे। और देखिए हमारा मसाला भून चुका है। अब हम सहजन को जो तल कर रखे थे ना, सारे सहजन को हम मसाला में ऐड कर देंगे, अच्छे से मिला लेंगे। देखिए हमने अच्छे से मसाला में सहजन को मिक्स कर लिया है। अब हमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिलाते हुए हमें ढक कर 5 मिनट तक सब्जी को पका लेना है मीडियम फ्लेम पर। और देखिए हमारी सहजन की सब्जी बनकर तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम को बंद कर देंगे और नीचे उतार लेंगे सब्जी को। देखिए हमने सब्जी को सर्विंग बाउल में निकाल दिया है और हमारी हेल्दी एंड टेस्टी सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। अब वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, फैमिली ग्रुपों में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।